बिड़ू एक समय था जब जनता को ना गाड़ी कितनी सेफ है इससे कुछ लेना देना ही नहीं था। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, जज्बात बदल गए और अब आज का समय जब लोग बहुत शाणे हो गए, बोले तो गाड़ी में मजबूती और सुरक्षा पहले मांगता। यह देश बदल रहा है। इसलिए ऑटो कंपनीज में होड़ मच रही कि कौन ज्यादा फौलादी गाड़ी बनाएगा, किसके पास ज्यादा से ज्यादा 5 सितारा छाप गाड़ियां होंगी। लेकिन बिड़ू इन सब के बावजूद आज भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो बिकती तो बहुत है लेकिन सुरक्षा के मामले में है फुलटू खल्लास। बोले तो ग्लोबल एनसीएपी की सेफ्टी रेटिंग में ये गाड़ियां एकदम लुल निकली। लुल पापा लुल। तो कौन सी ये गाड़ियां हैं वही आज अपुन बताएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पंटल लोगों ये जरूर ध्यान रखना कि अगर तुमने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, क्यों नहीं कर रहे। तो बिड़ू लिस्ट की शुरुआत होने का मारुति की फौलादी एसयूवी एस्प्रेसो से। मजाक था। एस्प्रेसो जिसका नाम सुनने में किसी कॉफी जैसा लगने का, और बिड़ू अब तो अपुन का भी मन कर रहा कॉफी पी। बकवास बंद कर अपनी। ठीक है भाई, वापिस आते मुद्दे पे। मारुति की माइक्रो एसयूवी एस्प्रेसो को ग्लोबल एनसीएपी में जब 0 स्टार मिले थे ना, तो कंपनी की इज्जत का बहुत फालूदा हो गया। हमारा नाम खराब कर रहे हैं। सबको यही लगता कि गाड़ी 0 स्टार है, लेकिन बिड़ू एस्प्रेसो बाद में 3 स्टार लाई। कब? पहले एस्प्रेसो में सिंगल एयरबैग था तो 0 मिले, लेकिन जब 2 एयरबैग ठूस कर फिर से जांच हुई तो गाड़ी को ठीक ठाक 3 स्टार और बच्चा सुरक्षा के लिए 2 स्टार मिल गए। कसम से गर्व से सीना चौड़ा हुआ मारुति का। हालांकि सुरक्षा की नजरों से देखें तो ये उतना फाड़ू भी नहीं है बिड़ू। फिर जो अगली कार है ना बिड़ू, उसको रेनो वाले मारुति अल्टो से पंगा वास्ते लॉन्च किए। नाम है क्विड। स्टाइल तो बहुत छौवा लगने का, लेकिन शारीरिक बल से बिल्कुल ही। ग्लोबल एनसीएपी की सुरक्षा परीक्षा में इसे 2 सुरक्षा फुग्गे सहित फोड़ डाला, तो नतीजे में क्या मिला? क्या? सिर्फ 2 स्टार, एडल्ट और चाइल्ड दोनों को। तो बिड़ू अब तू ही बता, क्या 2 स्टार में कोई बढ़िया सेफ्टी होगी? नहीं। ठीक है, तो मारुति की धांसू हैचबैक स्विफ्ट का भी इस मामले में बड़ा लोचा है। वैसे तो जब से ये आई है ना, तब से क्या दबा के बिक रही। जलवा है हमारा। और परफॉर्मेंस तो क्या झक्का से बिड़ू, लेकिन जहाँ बात हो सेफ्टी की, ऐसे कामों में जरा कमजोर हूँ मैं। कट टू कट बोले तो गाड़ी की मजबूती और सेफ्टी बड़ी हल्की है मियां। एनकैप वालों ने इसको सिर्फ 2 सितारों में सलटा दिया, तो कुल मिलाकर सेफ्टी का बड़ा लफड़ा रहने का। हालांकि गाड़ी है बड़ी मक्खन, लेकिन जब बात आए बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बिड़ू सेफ्टी की इस जंग में ना स्विफ्ट की कट्टर प्रतिद्वंदी i10 नियोस भी कुछ कम नहीं। दोनों का ही आपस में 36 का आंकड़ा। जब स्विफ्ट 2 स्टार लाई तो फिर i10 नियोस ने बिठाना। वह झुकेगा नहीं। और फिर जो होना था वो हुआ। लेकिन हुआ क्या? GNCAP की सुरक्षा परीक्षा में तो नियोस की वॉट लग गई। इसका वही हाल रहा जो स्विफ्ट का था, मतलब बालिक सुरक्षा में 2 स्टार और बाल सुरक्षा को भी 2 स्टार। कुल मिलाकर गाड़ी की सेफ्टी बिल्कुल थकेली। तो जिन पंटल लोगों को सबसे पहले सेफ्टी होना मांगता, वो नियोस का रिस्क ना ले। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सेफ्टी की बात हो और मारुति की वेगनार ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता मियां? आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। वेगनार लगातार सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है बिड़ू, और CNG में तो इसका अलग ही भोकाल है। भोकाल हो तो ऐसा हो। हालांकि सेफ्टी के डिपार्टमेंट में ना गाड़ी की हवा जरा टाइट। बोले तो सुरक्षा जांच में बुरी तरह लग गए। जहां इसको मिले एडल्ट और चाइल्ड दोनों में ही 2 सितारे, तो वेगनार में सेफ्टी ढूंढने का मतलब खाली पीली टाइम खोटा करना। लेकिन मानना पड़ेगा माइलेज में तो गाड़ी 1 नंबर है बिड़ू। बात तो सही है। उसके सामने ना तो कोई सेफ्टी देखता ना बिल्ड क्वालिटी। वेगनार के साथ साथ उसके टक्कर की ह्युंडई सेंट्रो भी सेफ्टी में कुछ घंटा ना उखाड़ सकी। तुमसे ना हो पाएगा। एनकैप में जब सुरक्षा जांचने वास्ते इसका टेस्ट हुआ ना, तो बिड़ू गाड़ी तो एकदम बिखर गई। बड़े छोटे दोनों के लिए सिर्फ 2 स्टार का ही जुगाड़ हुआ। वैसे अब किसी को क्या ही फर्क पड़ता, क्योंकि सेंट्रो बिकती है नहीं, और सुनने में आया कि ह्युंडई ने सेंट्रो को सलटा दिया। बोले तो डब्बा बंद खत्म। बिड़ू मारुति की एक वैन है ना जिसका नाम इको। नाम तो सुना होगा। चल। अगर काम धंधे के लिए चलाते तब तो ठीक, लेकिन अगर घरेलू गाड़ी बना रखी या बंदे ढोने वास्ते, तब तो भाई मामला क्योंकि इस वैन की बिल्ड क्वालिटी है ना एकदम डब्बा। क्रैश टेस्ट में जब इको को ठोका तो बालिक सुरक्षा के लिए 0 और बालक सुरक्षा में 2 सितारे मिले। बोले तो खल्लास है मियां। इसलिए बिड़ू सेफ्टी में इसका कोई भरोसा नहीं। हालांकि धंधा चलाने वास्ते लेगा तो वो अलग बात है। मारुति की एंट्री लेवल कार अल्टो, जो देश की सबसे सस्ती गाड़ी भी होने का, और बिकने में तो क्या भनकस मचा रही ली, क्योंकि माइलेज भी झक्कास और सस्ती भी। पब्लिक को यही तो मांगता, सस्ती और टिकाऊ गाड़ी। सही बात है। लेकिन बिड़ू एक हकीकत ये भी है कि अल्टो सेफ्टी के खेल में है ना एकदम चिरकुट।
गजब बेइज्जती है। बिडू ग्लोबल एनसीएपी के सेफ्टी टेस्ट में ये ढेर हो गई, जहां इसको मिला एडल्ट सेफ्टी में 0 और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार। गाड़ी बहुत हल्की फुल्की होने की वजह से अनस्टेबल रहने का और बिल्ड क्वालिटी भी कमजोर होने का। अब अगर भाई लोगों तुमको सेफ्टी रखना मांगता तो अल्टो पे फालतू खर्चा पानी नहीं करने का। हल्की बिल्ड क्वालिटी होने वास्ते मारुति की बहुत सी गाड़ियां चूरन साबित हुई, लेकिन बिड़ू ये एनसीएपी वाले भी लगातार मारुति के दिमाग की नस खींच रहे ले, क्योंकि उनकी एक और कार इस लिस्ट में शामिल हो गई। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। मारुति सेलेरियो क्रैश टेस्ट में तो ये गाड़ी एकदम 44 हो गई। बोले तो वाट लग गई मामू। बालिग इंसान की सुरक्षा बिल्कुल 0 और चिंटू की सुरक्षा वास्ते सिर्फ 1 सितारे का ठप्पा लगा। और बिड़ू हाल ही में जो नई सेलेरियो आई ना, वो साइज में तो बढ़ गई लेकिन पहले से भी ज्यादा हल्की। अब तू खुद ही सोच कैसा बिल्ड क्वालिटी होगा, है ना एकदम झिंगुर माफिक। अपन को मालूम है कि कुछ खजूल लोग कह रहे होंगे कि सेफ्टी नहीं लेकिन इंजन तो बढ़िया है, माइलेज है और फलाना डिमकाना। तो भाई अपन तो उनको यही कहेगा, क्योंकि अपना ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के हिसाब से होने का, समझा क्या? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो देख भाई ऐसा है कि तेरे को वीडियो मस्त लगा तो दिल खोल के ठोको। अबे ये लो बंदे को नहीं, लाइक और सब्सक्राइब का बटन ठोकने का। जय हिंद।